अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी? तो प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज हम अपने लेसन को स्टार्ट करेंगे। इन फर्स्ट दिस इज़ फेसेंट मैथ नंबर शेप एंड कलर्स फॉर प्रीमियर क्लास। इट्स मीन दे ये प्ले क्लास की बुक है। सो किड्स, हम लोग खूबसूरत तरीके से इस बुक को ओपन करने से पहले हमारे पास बहुत ही मेरे पास खूबसूरत से कुछ एक्टिविटीज़ हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, उन एक्टिविटीज़ को देखेंगे। इन फर्स्ट लुक, आई हैव अ प्लेइंग ब्लॉक। ये मेरे पास प्लेइंग ब्लॉक है। दिस इज प्लेइंग ब्लॉक। ये प्लेइंग ब्लॉक है। सो प्लेइंग ब्लॉक जो है ये मेरे पास ब्लू कलर में है। सो वन प्लेइंग ब्लॉक का मैं क्या करूँगी, बिकॉज यहाँ पर तो सिर्फ एक ही प्लेइंग ब्लॉक है। इट्स मीन वन वन प्लेइंग ब्लॉक, वन प्लेइंग ब्लॉक। हाउ मैनी प्लेइंग ब्लॉक ऑन माई टेबल? ओनली वन। हाउ मैनी प्लेइंग ब्लॉक ऑन माई टेबल? ओनली वन। सो दिस इज वन प्लेइंग ब्लॉक, वन प्लेइंग ब्लॉक, one playing block. So this is only one playing block, one playing block, one playing block. So next, look, very beautiful crayon color in orange color. मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सा एक क्रेयॉन कलर है और ये ऑरेंज कलर का है। ऑरेंज कलर को उर्दू में नारंगी रंग कहते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास कितने क्रेयॉन्स कलर है? हाउ मैनी क्रेयॉन्स कलर ऑन माई टेबल? ओनली वन। How many crayons color on my table? Only one. So one crayon color, one crayon color, one crayon color and one playing block, one crayon color and one playing block. So kids, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने देखा, मेरे पास एक प्लेइंग ब्लॉक था एंड नेक्स्ट मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा क्रेयॉन कलर था, जिसे हम लोग खूबसूरत तरीके से अपनी बुक में करते हैं। सो आप लोग जानते हैं कि मेरे पास प्लेइंग ब्लॉक कितने हैं? हाउ मैनी प्लेइंग ब्लॉक ऑन माई टेबल? ओनली वन। एंड हाउ मैनी क्रेयॉन कलर ऑन माई टेबल? ओनली वन। सो इट्स मीन दिस इज वन प्लेइंग ब्लॉक, एक प्लेइंग ब्लॉक, वन क्रेयॉन कलर। सो दिस इज वन क्रेयॉन कलर, इट्स मीन ये एक क्रेयॉन कलर है। सो डू यू नो कि वन कैसा दिखता है? यस, लुक, दिस इज नंबर वन। ये नंबर वन है, नंबर वन, वन वन, ये नंबर वन है। सो वन क्रेयॉन कलर एंड वन प्लेइंग ब्लॉक, वन क्रेयॉन कलर एंड वन प्लेइंग ब्लॉक। चले तो हम बुक पे चलते हैं और बिग बुक पे देखते हैं कि हमारे पास वन में, यानी आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर वन है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर वन में मेरे पास वन में कौन कौन सी चीज़ें हैं? नाउ लुक ऑन पेज नंबर 11। चले देखिए तो सफ़ा नंबर 11 पर द टॉपिक इज काउंटिंग। आज हमारा टॉपिक है, उनवान है, वो है काउंटिंग। सो द फर्स्ट इज काउंट, हमने सबसे पहले गिनना है। ट्रेस, हमने पेंसिल फेरनी है। राइट, देन हमने लिखना है। सो इन फर्स्ट पिक्चर लुक, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, दिस इज पाइनएप्पल। सो पाइनएप्पल को उर्दू में अनानास कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा फल होता है, बहुत ही मीठा होता है और ये अंदर से येलो कलर का होता है। सो दिस इज वन पाइनएप्पल। हाउ मैनी पाइनएप्पल ऑन माई बुक? ओनली वन। मेरी बुक पर कितने पाइनएप्पल है? ओनली वन। सो इट्स मीन दिस इज वन पाइनएप्पल, तो इसका मतलब है कि ये एक अनानास है। वन पाइनएप्पल, वन pineapple. Now looking down, very beautiful beads. So how many beads on my book? So only one. This is one bead. So it's mean one bead. One pineapple, one bead. Now looking first, number one. This is number one. ये number एक है, जिसे उर्दू में एक कहते हैं, number one. So हम इसे पढ़ेंगे कैसे? One pineapple, one beads. So नीचे अगर हम देखें तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें नंबर नेम दिखता है, किसका? वन का। सो हम इसके नंबर नेम को भी पढ़ेंगे इन फोनिक्स और इन वर्ड। ओ एन ई वन, ओ न ए वन, वन पाइनएप्पल, वन बीड्स। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, द नेक्स्ट वर्क इज ट्रेसिंग। सो लेट्स स्टार्ट ट्रेसिंग। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ट्रेसिंग करेंगे। वन, नंबर वन लिखते लिखते मुझे वो पैटर्न याद आया जिसमें हमने लाइंस की ट्रेसिंग की थी, जिनमें डाउनवर्ड लाइन थी। सो डाउनवर्ड लाइन करने का हमें
बहुत ही खूबसूरत सा फ़ायदा हुआ और वो ये कि हमने नंबर वन बहुत आसानी से लिखा, हमसे जा रहा है। सो वन, नंबर वन। सो किड्स द एक्टिविटी इज हाउ मैनी एप्पल्स आर हियर, यहाँ पर कितने सेब हैं। राइट डाउन नंबर इन द बॉक्स, हमने क्या करना है इस बॉक्स में लिखना है। सो हाउ मैनी एप्पल्स ऑन माई पेज, ओनली वन, वन एप्पल, वन एप्पल। एंड नेक्स्ट इज बनानास, सो हाउ मैनी बनानास, वन टू। सो लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने हमसे एप्पल पूछा है ना, हाउ मैनी एप्पल्स आर हेयर, सो यहाँ पर एप्पल कितने हैं, सो ओनली वन, सो इट्स मीन वन एप्पल। नाउ राइट डाउन वन एप्पल। नाउ द पेज नंबर 11 इज डन, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। और नेक्स्ट पेज इज वेरी ब्यूटिफुल पेज एंड द पेज नंबर इज पेज नंबर 12। ऑन पेज नंबर 12 द टॉपिक इज काउंटिंग एंड द वर्क इज काउंट ट्रेस एंड कलर, और जो हमारा काम है वो हमने गिनना है, पेंसिल फेरनी है और रंग भरने हैं। सो लुक दिस इज नंबर वन, नंबर वन। सो काउंट एंड कलर द बीट, हमने क्या करना है, काउंट करना है और कलर करना है बीड्स में। सो हाउ मेनी बीड्स ऑन माई पेज, ओनली वन, ओनली वन बीड्स। सो हम क्या करेंगे, इस बीड में बहुत ही खूबसूरत सा कलर करेंगे, देन हम लोग इसे लाउडली पढ़ेंगे ऊंची आवाज में, वन बीट, वन बीट। नाउ वन बीट, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज ट्रेस हॉलो एंड डॉटेड नंबर्स, हमने क्या करने हैं, ट्रेस करने हैं हॉलो एंड डॉटेड नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट ट्रेसिंग। इन फर्स्ट नंबर वन, ये हमारे पास हॉलो लाइंस है, नंबर वन, नंबर वन। सो नेक्स्ट नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन। और जहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो वहाँ से आपने रेज भी करना है, एंड आपका वर्क बहुत ही खूबसूरत सा होगा। सो किड्स, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने अपने काउंटिंग को कंप्लीट किया, हमने खूबसूरत तरीके से एक्टिविटी को डन किया, हमने खूबसूरत तरीके से पढ़ा। सो आपने भी इसी तरह खूबसूरत तरीके से इसकी रीडिंग करनी है, देन आपने अपने वर्क को भी कंप्लीट करना है। सो किड्स, खूबसूरत तरीके से हमने आज अपने वर्क को कंप्लीट किया। सो इसी के साथ किड्स, आपने खूबसूरत तरीके से काम करना है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।